इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है हरियाणा से, जहां झज्जर एम्स में इलाज करवाकर ठीक हुए तबलीगी जमात के लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करने की पेशकश की है। तबलीगी जमात के ठीक हुए 129 लोग अब अपना खून देने को तैयार हैं ताकि उनका प्लाज्मा निकालकर दूसरे मरीजों को कोरोना का इलाज किया जा सके। झज्जर के एम्स में 142 तबलीगी जमात के लोगों को भर्ती कराया गया था, इनमें से 129 ठीक हो चुके हैं। इनमें से कई ने प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना प्लाज्मा देने की रजामंदी दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की थी। आज भी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यही कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर इसका मुकाबला करना होगा। फिर उससे जो निकलता है उससे जो है कई कई मरीजों की जान बच जाती है। उनके वो जो आपके प्लाज्मा निकला है उसमें डालेंगे तो दूसरे मरीजों को देंगे तो आप लोगों की जान बचाने का जरिया बन जाएंगे। तो इसका बहुत अजर स्वभाव भी होगा कि हमने किसी की जान बचाई। कल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो अपना ब्लड देगा वो बहुत महान आदमी है, ग्रेट आदमी है जो अपना ब्लड दे। तो इसके लिए हम लोग आए थे कि आप सब इसके लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये भी दीन का काम है। तो हजरत की तरफ से भी जो है ऑडियो भी आया है, मैसेज भी आया है कि इसके लिए हमारे साथी जो है ना खुद काउंट है और इंशाल्लाह इसकी तरकीब बना रहे हैं। और आप हमारा में जो हमें अपनी तकलीफ बताई है वो हम गवर्नमेंट से। एक तरफ झज्जर में ठीक